और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राम मंदिर पर डी सुधाकर के विवादास्पद बयान का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अयोध्या में राम मंदिर और उसके निर्माण के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम राम मंदिर के पक्ष में हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राम मंदिर पर डी सुधाकर के विवादास्पद बयान का जवाब देते हुए कहा है कि हम अयोध्या में राम मंदिर और उसके निर्माण के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम राम मंदिर के पक्ष में हैं। तो सिद्धारमैया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और साथ साथ जवाब उन लोगों को भी जिन्होंने राम मंदिर पर हमला बोला। और अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये डी सुधाकर हैं कौन, जिसके बयान से एक बार फिर कलभली मची है और कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। दरअसल ये एक खास नेता, कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं डी सुधाकर, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में। और खास बात यह है कि अब जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, पूरी पार्टी को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। 2023 में ये हिरियूर सीट से विधायक चुन करके आए और अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं। 2004, 2008, 2013 में भी ये लगातार विधायक रहे हैं, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के। और जिस तरह का बयान आया उसे लेकर विवादों में है, अलग अलग मंत्रालय भी ये पार्टी की ओर से अपनी सरकार में संभाल चुके हैं, येदियुरप्पा सरकार में भी ये मंत्री रहे हैं इससे पहले, और इसलिए सियासत से इनका पुराना नाता है। लेकिन इस नए बयान ने अब पूरी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पर हो रही सियासत पर वीएचपी और आरएसएस ने जवाब दिया है। आपको सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा है। हाँ, जो आज भी जनता जा रही है, उस दिन भी जो जाएगी, उसके बाद भी जाएगी, जन सबको निमंत्रण है। मुझे आप बताओ कि रोज मंदिर जाता है क्या, निमंत्रण पर जाता है आदमी? हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता है क्या, निमंत्रण पर जाता है? ये आस्थाओं का प्रश्न है, आस्था है तो जाना। निमंत्रण किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं है, जो इसको किसी राजनीतिक दल का निमंत्रण मानते हैं वो बहुत बड़े अज्ञान में और अंधकार में है। स्वयं गया था अधीर रंजन चौधरी जी के पास भी, विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के लोग गए थे, नृपेन जी ने जाकर के सोनिया जी को निमंत्रण दिया है। हमने विपक्ष के नेता को जब निमंत्रण दिया तो प्रधानमंत्री को देने में क्या आपत्ति है? हमने कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन के नाते सोनिया जी को भी दिया है। अगर राजनीति करनी होती तो उनको क्यों देते? अगर वो आएंगे तो हम सम्मान से उनको स्थान देंगे, उनका स्वागत करेंगे। भाई हमारे पास तो बाई डिफॉल्ट तीन तीन बार निमंत्रण आया हुआ है, तो हम तो जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ ये निमंत्रण देना भी एक औपचारिकता है। राम सबके हैं, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारे राष्ट्र की अस्मिता है, राम हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, राम हमारे परात्पर ब्रह्म भी हैं, राम को भगवान का स्वरूप भी मानते हैं और राम को पूर्ण पुरुष के रूप में मानते हैं। ये न कोई राजनीतिक विषय है और न ये किसी भी प्रकार का मजहबी विषय है। आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन राम सबके पूर्वज हैं, हिंदुओं के भी, मुसलमानों के भी हैं। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को लेकर सियासी महकमे में क्या कुछ चल रहा है, किसने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं क्योंकि सियासत जोरदार हो रही है। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बताएंगे कि कौन से नेता की ओर से किस तरीके से राम मंदिर पर टिप्पणी की गई है। देखिए, आलोक कुमार जो कि वीएचपी से आते हैं, उन्होंने कहा कि अगर राजनीति करनी होती तो विपक्षी नेताओं को आखिर हम न्योता क्यों देते, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर है, वहीं इंद्रेश कुमार जो कि आरएसएस से आते हैं, उन्होंने कहा कि जो राम को मानते हैं उन्हें निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ बयान सामने आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से क्या कुछ कहा गया, राम मंदिर राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक मुद्दा राजनाथ सिंह की ओर से बताया गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से आते हैं, इन्होंने क्या कहा, जो भगवान राम का विरोध कर रहे हैं वो सरासर नास्तिक है, इस तरह के बयान सामने आए हैं। आचार्य सत्येंद्र दास की ओर से भी टिप्पणी की गई है, जिन्होंने कहा कि जिसने राम को नकारा है वो हारा, जिसने स्वीकारा वो जीता है। तो इस तरह की टिप्पणियां हैं जो कि अब तमाम नेताओं की ओर से की जा रही हैं।